अपने छोटू भैया या फिर यूं कहें मिस्टर आरपी की वजह से एक बार फिर से उर्वशी रौतेला सोशल मीडिया पर ट्रोल होती आई नजर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। उर्वशी रौतेला अपनी मूवीज की वजह से सुर्खियां बटोरे या ना बटोरे, लेकिन उनके मिस्टर आरपी, और आप सब जानते हैं मिस्टर आरपी यानी वन एंड ओनली ऋषभ पंत, उनकी वजह से उर्वशी रौतेला खूब सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती है। फिल्में उनकी चले ना चले, लेकिन मिस्टर आरपी वाले एंगल से उर्वशी अपना दीवाना हर किसी को बना देती है। उर्वशी बेसिकली ट्रोल हो जाती है, लाइमलाइट में रहती हुई नजर आती है। एक बार फिर से यही वाक्या हुआ है। ऋषभ पंत जहां अपनी रिकवरी पीरियड पे चल रहे हैं, जहां पर बैंगलोर के NCA में यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अपना रिकवरी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वही दूसरी ओर उर्वशी रौतेला जो है व्यस्त है, इवेंट्स में व्यस्त है। ऐसी किसी एक इवेंट में उर्वशी जा रखी थी जिसकी फोटोज जो है उर्वशी ने सोशल मीडिया पर डाली, जहां पर उन्होंने स्टोरी पोस्ट करी इंस्टाग्राम पर, अलग अलग स्टोरीज उन्होंने पोस्ट करी, लेकिन एक स्टोरी ने सबका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करा। वो स्टोरी ऑब्वियसली ऋषभ पंत से रिलेटेड थी। आपको बताएंगे क्या है पूरा वाक्य। दरअसल उस स्टोरी में उर्वशी रौतेला जो है एक बुक पढ़ती हुई नजर आ रही है, जो लिंडा गुड्समैन की वो लव साइन नामक एक बुक है उसको वो पढ़ती हुई नजर आ रही है। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि भैया जो मीन और तुला राशि के बीच में रिलेशनशिप होता है उस पे वो बुक पढ़ रही हैं, उस पे उस बुक में उस रिलेशनशिप के बारे में लिखा हुआ है। अब लोग इसको जोड़ रहे हैं कि मीन राशि जो है वो उर्वशी की है और तुला राशि जो है ऋषभ पंत की। आप सभी जानते हैं ऋषभ पंत की तुला राशि है, तो अब लोग यहां पे जोड़ रहे हैं कि उर्वशी रौतेला प्लीज ऋषभ पंत को छोड़ दो। काफी यूजर्स इसमें भड़क गए हैं, बहुत सारे यूजर्स नाराज नजर आ रहे हैं उर्वशी से और यही गुहार लगा रहे हैं कि भैया प्लीज ऋषभ पंत का पीछा छोड़ दो, कि आपने बहुत परेशान कर दिया है ऋषभ पंत को। अब एटलीस्ट जब वो रिकवरी पीरियड में है, कुछ अच्छा उनकी लाइफ में होने वाला है, शायद जल्दी मैदान में वो वापसी करेंगे, तो प्लीज आप अब उनको छोड़ दो और फालतू में उनके पीछे चेप मत हो। तो ये कुछ उर्वशी रौतेला की पोस्ट ने बवाल कर दिया है, स्टोरी ने बवाल कर दिया है। अब आपकी इसमें क्या राय है मुझे जरूर बताइए, और क्या आपको भी लग रहा है, क्या आपको भी लग रहा है कि उर्वशी ने ये वाली स्टोरी ऋषभ पंत के लिए डाली, क्योंकि पहले भी वो ये कर चुके हैं, पहले भी ये वो ये बचकानी हरकतें मतलब हेडलाइंस बटोरने वाली हरकतें कर चुके हैं, तो क्या आपको भी लग रहा है कि ये स्टोरी जो है ऋषभ पंत के लिए थी? ज़रूर अपनी राय बताइए।